तो इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने भरत पाठ पढ़ना शुरू किया था और उनके बारे में कहानी भी मैंने भरत के बारे में सुनाई थी कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा है और दोनों तपस्विनियों की बातों से कैसे दुष्यंत को पता लगता है कि ये उन्हीं का पुत्र है। कौन? भरत। यहाँ तक पढ़ाया था, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जब दुष्यंत ने उस बच्चे को समझाया कि तू क्यों जो है तपोवन के विरुद्ध ये आचरण कर रहा है, ये व्यवहार कर रहा है, इससे तुम्हारे कुल को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, यह तो कोई अच्छी बात नहीं है, तो तुरंत उस बच्चे ने दुष्यंत की बातों को सुन करके सिंह के बच्चे को तुरंत छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। बड़भागी का अर्थ होता है बड़े भाग्य वाला, बड़े भाग्य वाला, कि ये बड़े भाग वाले, यह ऋषि कुमार नहीं है, मतलब ये ऋषियों की संतान नहीं है, ऐसा दूसरी तपस्विनी ने दुष्यंत को बताया। दुष्यंत, सत्य है, इसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। अब दुष्यंत ने क्या कहा कि सच कह रही हो तुम, इसके काम ही ऐसे साहस के, मतलब हिम्मत के हैं, कि ये ऋषियों का पुत्र नहीं मालूम पड़ता है, जान पड़ता मतलब मालूम पड़ता, ये ऋषियों का पुत्र नहीं लगता है, परंतु ये चूंकि ऋषियों की भूमि में रह रहा है, वास का अर्थ मतलब रहना, कि मैंने इसे तपस्वियों की भूमि में तपोवन में रहते देख करके, और तपोवन में कौन रहता है? ऋषि, ऋषि मुनि, तो तपोवन में रहते देख करके इसको ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे को की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, अब दुष्यंत ने क्या किया कि उस बच्चे की हथेली को अपने हाथ में ले लिया और खुद से कहने लगे, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दुष्यंत अपने आप से बोले कि जब इस बच्चे की हथेली को छूने भर से ही उनको इतना सुख मिल रहा है, इतना सुख प्राप्त हो रहा है, तो जिस बड़े भाग्य वाले व्यक्ति का यह पुत्र होगा, या जिस बड़े भाग्य वाले व्यक्ति की यह संतान होगी, उसे कितना हर्ष मतलब आनंद, उसे कितना आनंद आता होगा, ये दुष्यंत ने अपने आप से कहा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है, अब दूसरी तपस्विनी दोनों मतलब दुष्यंत और भरत दोनों की ओर देखकर बोली कि ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ, कि तुम्हें किस बात पे आश्चर्य हुआ? दूसरी तपस्विनी बोली, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है, और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली, कि तुम्हारी सूरत और इस बालक की सूरत, सूरत का अर्थ होता है शक्ल, चेहरा, कि तुम दोनों का चेहरा आपस में कितना मिलता है, और ये बालक तुमको जानता भी नहीं, फिर भी इसने तुम्हारी बात मान ली, और हम तपस्विनियों को ये पहचानता है, फिर भी इसने हम लोगों की बात नहीं मानी। दूसरी दुष्यंत बोला बच्चे को गोद में उठाकर कि हे तपस्विनी, जो ये ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? अब उसने किसने दुष्यंत ने उस तपस्विनी से सवाल किया कि अगर ये ऋषियों की संतान नहीं है तो ये किस खानदान से संबंध रखता है? तो दूसरी तपस्विनी ने जवाब दिया
यह पुरुवंशी है। पुरुवंशी जो है पुरु नाम के एक राजा के खानदान के नाम पे पुरुवंश पूरे वंश का नाम पड़ा और राजा दुष्यंत भी सौभाग्य से पुरुवंशी ही हैं। राजा दुष्यंत पुरु के खानदान से संबंध रखते थे इसलिए वो भी पुरुवंशी थे। तो दूसरी तपस्विनी ने बताया कि यह पुरुवंशी है, पुरुओं के खानदान से संबंध है इसका दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। फिर दुष्यंत अपने आप से सोचने लगे, अपने आप से कहने लगे कि इसीलिए इसकी सूरत जो है उस बच्चे की सूरत दुष्यंत से मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि दुष्यंत भी पुरुवंश के खानदान के हैं और भरत भी पुरुवंश के खानदान का है। बच्चे को गोद में उतार कर उन्होंने कहा कि पुरुवंशियों में यह रीत तो निश्चित है कि वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। उसने क्या बताया दुष्यंत ने कि पुरुवंशियों में एक नियम है कि जब तक वे युवावस्था मतलब जवानी में रहते हैं, जवान रहते हैं, तब तक वे जो है महलों में रह करके पृथ्वी का संरक्षण करते हैं, पृथ्वी की रक्षा करते हैं और पृथ्वी की आज्ञा का पालन और पृथ्वी में जो कुछ भी उगता है उसे खाते हैं और हर नियम का पालन करते हैं। कौन? जब तक पुरुवंश युवा अवस्था में रहते हैं तब तक वे पृथ्वी की रक्षा करते हैं और पृथ्वी को का पालन भी करते हैं। वृद्धावस्था आने पर वे वन में जितेंद्रिय नया शब्द आया है जिसका अर्थ होता है इंद्रियों को वश में करने वाला। इंद्रियों को वश में करने वाला कौन होता है? ऋषि मुनि। तो जब वे बुढ़ापे में आते हैं तो वे ऋषि मुनियों के साथ आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। ऋषि मुनियों के साथ आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं ऐसा बताया। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? अब आगे उन्होंने कहा कि देवताओं के जैसा शक्तिशाली यह निडर मतलब जो किसी से ना डरे अर्थात निर्भय, कि देवताओं की शक्ति वाला यह निर्भय बालक जो देखने में असाधारण दिखता है वो मनुष्य का पुत्र भला हो भी नहीं कैसे सकता है? दूसरी तपस्विनी बोली, हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। अब उस तपस्विनी ने दुष्यंत को आगे बताया कि तेरा शंका, जो तेरे मन में संदेह मतलब शंका है, वो तब मिट जाएगा जब तुझे ये पता लगेगा कि इसकी माँ मतलब भरत की माँ जो है वो देवलोक में रहने वाली एक स्त्री है जिसे अप्सरा कहते हैं। अप्सरा का नाम मेनका है, तो इसकी माँ उस अप्सरा की बेटी है, उसी के प्रताप से इसका जन्म देवपित्तर के इस तपोवन में हुआ है और मेनका के पुण्य प्रताप के कारण ही, मतलब भरत की नानी हुई मेनका, तो मेनका के पुण्य प्रताप के कारण ही इस बालक का जन्म जो है इस तपोवन में हुआ है, इस तपस्या करने की भूमि में हुआ है। देव पितर, इसमें दो शब्द और भी आए हैं, देव और पितर का अर्थ होता है पूर्वज, तो देव और पूर्वज मतलब देव पितर। दुष्यंत मन में बोलता है, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी
इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है। अब दुष्यंत के मन में थोड़ा और आनंद हुआ ये जानने के लिए कि आखिर इस बालक भरत की माता जो है वो किस राजा की पत्नी है। अब वो ये जानना चाहते हैं। तो दूसरी तपस्विनी क्या बोली कि जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। तो दूसरी तपस्विनी ने क्या जवाब दिया कि जिस राजा ने अपनी विवाहिता मतलब शादीशुदा जिसके साथ शादी किया है शादीशुदा स्त्री को बिना किसी कारण के छोड़ दिया हो उस व्यक्ति का नाम मैं बिल्कुल नहीं लूँगी। ऐसा उस तपस्विनी ने दुष्यंत को बताया। दुष्यंत ने खुद से कहा यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। दुष्यंत सोचने लगे यह कथा तो उन पे लग रहा है कि उन पे सही बैठती है, उन्हीं की कथा लगती है, तो क्या अब इस बच्चे का नाम वो पूछे, इस बच्चे की माँ का नाम वो पूछे। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। अब जो तपस्विनी कुटी में गई थी मिट्टी का मोर लेने के लिए वो मिट्टी का मोर लेकर के आती है। तपस्विनी आकर के पहली तपस्विनी बोली हे सर्वदमन यह शकुंत लावण्य देख। शकुंत का अर्थ होता है पक्षी, लावण्य का अर्थ होता है सौंदर्य। तो वो लाई, उसने बालक से कहा कि हे सर्वदमन इस पक्षी के सौंदर्य को देख। बालक बड़े चाव से देखकर कहाँ है शकुंतला मेरी माता। बच्चे ने बड़े ही उतावलेपन से उस तपस्विनी से कहा कि मेरी माता कहाँ है। अब बच्चे को क्या लगा कि उसकी माँ आ गई है, तो उसने कहा कहाँ है मेरी माता शकुंतला। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन, मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। तपस्विनी ने हंसते हुए उस बालक भरत को समझाया कि तुम शकुंत लावणी के नाम से धोखा खा गए, मैंने तुमको मिट्टी के मोर को देखने को कहा था, यहाँ तुम्हारी माता नहीं है। दुष्यंत खुद से बोले इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। अब दुष्यंत खुद से बोलने लगे कि अब वो कैसे पता लगाएं कि कहीं इस बालक की माँ जो है मेरी ही प्यारी शकुंतला है या उस नाम की कोई दूसरी महिला है, वो कैसे पता लगाएं। तो ये सारा वर्णन उन्हें ऐसे बेचैन करने लगा जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। मृग तृष्णा जो है, मृग मतलब होता है हिरण, तृष्णा का अर्थ होता है प्यास। तो हिरण जब रेगिस्तान में पानी के लिए दूर दूर तक दौड़ता है, रेगिस्तान में पानी की कमी होती है तो हिरण मीलों दौड़ता है पानी के लिए, और दूर से जब रेत चमकती हुई दिखाई देती है तो वो ये समझता है कि दूर पानी है, और उतना वो फिर दौड़ता है, वहाँ पर पहुँचने के बाद पता लगता है कि ये तो पानी नहीं रेत है। तो इसी तरह अब जैसे मृग तृष्णा हिरण को परेशान करती है, बेचैन करती है, वैसे ही इस समय इस वृत्तांत से दुष्यंत के मन में उभर के आता है कि आखिर वो कैसे जाने कि ये उन्हीं की शकुंतला है या कोई और दूसरी स्त्री। बालक खुश होकर मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। बच्चा खुश होकर के बोला कि उसे यह मोर बहुत पसंद है और खिलौना उसके हाथ से, उस तपस्विनी के हाथ से उसने ले लिया। पहली तपस्विनी घबराकर ओह बालक की बाँह से रक्षाबंधन कहाँ गया। रक्षाबंधन जो रक्षा के लिए धागा बांधा जाता है उसको कहते हैं रक्षाबंधन।
तो घबरा करके तपस्विनी बोली कि अरे इस बालक के बाँह पे एक रक्षाबंधन बंधा हुआ था, वो आखिर कहाँ चला गया? दुष्यंत, घबराओ मत, जब ये नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उसने क्या बताया कि जब वो उस नाहर मतलब शेर के साथ खेल रहा था तब इसके हाथ से ये रक्षाबंधन गिर गया था, वह वहाँ पड़ा है, मैं उठाकर तुमको देता हूँ, ऐसा दुष्यंत ने कहा। उठाने के लिए झुकता है कौन? दुष्यंत। तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। तो पहली तपस्विनी क्या बोलती है, अरे अरे इस रक्षाबंधन को मत उठाना, इसे छूना भी मत। दूसरी तपस्विनी बोली, ओह इसने तो उठा ही लिया। अब वो लोग मना कर रही थी, फिर भी दुष्यंत ने उतनी देर में उस रक्षाबंधन को उठा लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं। दोनों तपस्विनियाँ जो हैं अचंभे के साथ एक दूसरे को देख रही हैं। दुष्यंत ने कहा, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका? रोका क्यों था? अब उन्होंने उठा के उसको तपस्विनी को दिया और सवाल किया कि अब तुम लोग ये बताओ कि इस रक्षाबंधन को मुझे उठाने से तुम लोग रोक क्यों रही थी? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ, महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। तपस्विनी ने बताया दुष्यंत को कि इस रक्षाबंधन का नाम क्या है? अपराजित। अपराजित का अर्थ होता है जिसे कोई पराजित ना कर सके, जिसे कोई हरा ना सके। तो इस रक्षाबंधन का नाम जो है वो अपराजित है। और जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, नामकरण नाम रखने की परंपरा, नाम रखने के लिए एक निश्चित तिथि तय की जाती है और उस तिथि को विधि विधान के अनुसार बच्चे का नाम रखा जाता है, उसे कहते हैं नामकरण। तो जब इस बालक का नामकरण हुआ तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने इस बच्चे को वो धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा ना उठा सके। अब इस रक्षाबंधन की विशेषता क्या है कि यदि यह धरती पर गिर भी जाए तो इस बच्चे के माँ बाप को छोड़ करके और कोई दूसरा उसे नहीं उठा सकता, ऐसा दूसरी तपस्विनी ने दुष्यंत को बताया। दुष्यंत ने सवाल किया, और जो कोई उठा ले तो क्या हो, कि अगर किसी ने उसे उठा ही लिया तो क्या होगा? तो पहली तपस्विनी बोली, तो ये तुरंत सांप बनकर उसे डसता है, तो ये रक्षाबंधन छूते ही सांप बन जाता है और उसे डसता है, मतलब काट लेता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है कि तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है कि किसी ने और ने उठाया हो तो रक्षाबंधन सांप बन के उसे काट लिया हो? तो पहली तपस्विनी बोली, अनेक बार। अनेक बार का अर्थ होता है, अनेक का अर्थ होता है कई, कई बार ऐसा होते हुए देखा है। तो दुष्यंत प्रसन्न होकर के, प्रसन्न का अर्थ होता है खुश, खुश होकर के दुष्यंत ने कहा, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ। मनोरथ का अर्थ होता है मन की इच्छा, मनो का अर्थ होता है मन, रथ मतलब इच्छा, कि अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मेरी इच्छा पूरी हुई। क्यों?
क्योंकि इतनी देर से वो यही तो सोच रहे थे कि काश ये बालक उनका पुत्र हो, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं, तो मैं प्रसन्नता क्यों ना मनाऊं, आनंद मतलब खुशी क्यों ना मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है, बच्चे को वो गोद में उठा लेते हैं और उसी समय पर्दा जो है, पर्दा मतलब नाटक है ये, तो गिर जाता है। अब इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैं फिर से दोहराती हूँ। ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा था, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा था, तो इसका बहुत सीधा और सरल भाषा में जवाब आएगा। बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ, बालक जो है वो वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था, उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था, उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे, दुष्यंत को बालक के प्रति आकर्षण क्यों हो रहा था, तो बालक जो है वो स्वस्थ सुंदर निर्भीक तथा हठीला था। बालक स्वस्थ सुंदर निर्भीक तथा हठीला मतलब जिद्दी था, उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। बालक की इन्हीं विशेषताओं पर, किन विशेषताओं पर, बालक स्वस्थ था, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था, उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उस बालक के प्रति आकृष्ट हो रहे थे। दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियां बताई, दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियां बताई, दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की ये दो रीतियां बताई। पहला, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। दूसरा, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं, और बुढ़ापा आने पर वे तपस्वियों के साथ उनके आश्रम में रहते हैं और वृक्षों के नीचे कुटिया बनाते हैं। दुष्यंत के क्या कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया, दुष्यंत ने ऐसी कौन सी बात कही जिससे बच्चे ने उस शेर के बच्चे को छोड़ दिया। दुष्यंत ने बालक से कहा कि प्राणियों के बच्चों को सताना तपोवन के आचरण के विरुद्ध है, प्राणियों के बच्चे को सताना तपोवन के आचरण के विरुद्ध है, और इससे तुम्हारे कुल की भी निंदा होती है, इससे तुम्हारे कुल की भी बदनामी होगी। उनके ऐसा कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया। सर्वदमन क्या करना चाहता था, सर्वदमन क्या करना चाहता था, सर्वदमन सिंह शावक के दांत गिनना चाहता था, सर्वदमन सिंह शावक के दांत गिनना चाहता था। दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में क्या अनुमान लगाया, दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में
क्या अनुमान लगाया। दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में यह अनुमान लगाया कि यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक को रक्षाबंधन किसने दिया था? बालक को रक्षाबंधन महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने दिया था। बालक को रक्षाबंधन महात्मा मरीच के पुत्र कश्यप ने दिया था। शकुंतला किसकी पुत्री थी? शकुंतला मेनका नामक एक अप्सरा की पुत्री थी। अब ये स्क्रीन पे देखिए, एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर ऐसे लिखना होगा आप लोगों को, सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह सावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। सिंह सावक मतलब सिंह के बच्चे के साथ खेलने में वो जरा भी नहीं डरता। बालक की माँ सिंघनी का भी उसे भय नहीं है। बालक को जो है उस सिंह सावक की माँ जो है उसकी माँ का भी डर नहीं है। वो इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने पर उस पर कोई असर नहीं होता। बालक इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने पर भी उसको कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। सर्वदमन के हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के जैसे गुण होते हैं, वो गुण हैं, और साथ में उस बच्चे को खिलौनों से लगाव है। दूसरा इसमें है, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे। सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे। सर्वदमन का साहस और निर्भयता और बालहट देख करके दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। प्रेम उमड़ आया। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। अब सर्वदमन का मुंह जो है अग्नि के समान चमक रहा है, वो देख करके दुष्यंत को आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। और दुष्यंत को ये लगता है कि यह बालक किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण हैं और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। बालक के हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के जैसे लक्षण होते हैं, वैसे लक्षण बालक के हाथ में दिखाई दे रहे हैं, और साथ में उसकी कमल जैसी हथेली को, कमल के फूल की तरह सुंदर हथेली को देख करके वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह सावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। और जब वे उस बालक के पास शेर के बच्चे को छुड़ाने जाते हैं,
और उस बच्चे की हथेली उनके हाथ में आती है तो उसको छू करके ही उनको अत्यंत सुख का अनुभव होता है। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होता होगा। उनको क्या लगता है कि जिस भाग्यवान का यह बेटा है उन्हें कितना सुख होता होगा। ओके, चलिए।